दिल्ली सरकार के 4 साल बेमिसाल हरदोई रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य और वहां की व्यवस्था का हाल लेने पहुंचे अंशुल वर्मा ने गंदगी व पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए DRM से वार्ता करने की बात कही। उन्होंने पाया कि इस भीषण गर्मी में यहां पर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके अलावा गंदगी भी है और निर्माण कार्य का भी जायजा लिया जिसमें वह संतुष्ट नहीं दिखे। यहाँ पर लोगों की शिकायत थी पानी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर। ये बात हम लोगों ने पिछली बार भी जब निरीक्षण किया था तब देखा था कि वाटर डिटेल्स चल नहीं रहे और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई और जो निर्माण कार्य ए श्रेणी के चलते हुए जो यहाँ मिला था उसमें भी काफ़ी शिथिलता बरती जा रही है। आज ये इंसाब यहाँ मौजूद नहीं है, कल के लिए उनको कहा है कि पूरे कागजों के साथ तैयारी के साथ बैठें ताकि जितनी जल्दी हो सके समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। वाटर ATM तो खराब पड़े हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? पहले तो मुझे बताया गया था कि टेंडर की प्रक्रिया को लेके है, लेकिन इस समय पर जब बाकी जगहों पर ठीक हो रहे हैं, हमने भी DRM साहब को पत्र लिखा था, वही कारण जानने हैं ईएन साहब से कि यहाँ पर इतनी देरी किस लिए। और कल वो अपने कागजों के साथ आएंगे तब इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, उसी प्रकार से सूचित किया जाएगा DRM साहब। क्या क्या अनियमितताएं पाई है यहाँ पर और क्या कार्रवाई करेंगे? मेरे ख्याल से जो सरकार की मंशा, एक तो पानी की सुविधा का अभाव यहाँ पाया गया, कहीं ना कहीं डस्टबिन भी नहीं थे, बाथरूम वगैरह भी गंदे पाए गए और जहाँ पानी पीने के लिए सुविधा है वहाँ पर भी गंदगी पाई गई। और मैं जाके खुद भी कल बुला के DRM साहब से बात करूँगा कि इस तरह का अगर रवैया रहेगा तो ईएन साहब मेरे ख्याल से पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है।